You are welcome to my channel, myself Parminder Kaur, और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ binary to octal conversion, जैसे कि आप slide में देख रहे हो, binary to octal conversion. First of all, मैं आपको इसकी theory बताऊँगी. जो binary number है, उसको हम octal में convert कर सकते हैं. कैसे convert कर सकते हैं? By first making groups of three bits, कि हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम 3-3 बिट्स का उसका ग्रुप बनाएंगे. लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से. इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड डज नॉट हैव 3 बिट्स, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स में 3 बिट्स नहीं रहती, तो हम खुद उसमें जीरो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हम जो है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम ग्रुपिंग करनी स्टार्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स से. और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमारे पास 3 बिट्स नहीं रहती, तो हम जीरो ऐड कर देंगे. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन. सपोज आपको ये क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बाइनरी नंबर के ऊपर. बाइनरी नंबर है जो 1 और 0 की फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे आपको नंबर आएगा. तो हमने इसका ऑक्टल कन्वर्ट करना है, इसको इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे. कैसे ग्रुप करेंगे? 0 0 1, 3 बिट्स का मैंने ग्रुप बना लिया. फिर 0 1 1, देन 1 0 0. अब हमारे पास 1 अकेला बच गया, हम क्या करेंगे? 2 जीरोस खुद की तरफ से लगा देंगे, राइट. वंस अगेन आई रिपीट, हमने ग्रुपिंग करनी है तो थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए. जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको देख के इजीली कर पाओगे. तो ग्रुप बनाना है, हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करना है. 0 0 1, एक बन गया हमारे पास ये वाला ग्रुप. फिर हमने ये बनाना है 0 1 1, फिर उसके बाद 1 0 0. अब 1 बच गया हमारे पास, हमने खुद 0 0 खुद 2 जीरोस लगा दी. अब हम इसके नीचे ऑक्टल लेना है, तो हम इसके नीचे जो पैटर्न है वो क्या लिखेंगे? 4 2 1 का. 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1. इसको आप टेबल से भी कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. जो मेथड आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हो. तो जहाँ पे हमारी 1 बिट है, उस वाली नंबर को हमने काउंट करना है. जैसे ये 1 है, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये वाला. फिर उसके बाद 2 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 1 है, हम 2 और 1 को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 बन जाएगा. फिर 4 है हमारा, 4 के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद ये 1 है, हमारे पास 1 आ जाएगा. हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 1 4 3 1, राइट. ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे. 0 1 0, देन 1 0 रह गया हमारे पास, हम खुद 0 अपेंड कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट. फिर हम पैटर्न लिखेंगे 4 2 1, 4 2 1. अब देखो 2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हमारा ये वाला लेनी, हमने ये वाली बिट लेनी है, तो क्या आएगा हमारे पास? 2. और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास? दिस वन. आंसर हमारे पास क्या बनेगा? डबल. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और इस क्वेश्चन के 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, तो आपको ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आ जाएगा. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी, बाइनरी टू ऑक्टल ही कराऊंगी विद टेबल कराऊंगी. थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.